हेलो बच्चों, वेलकम टू सारांश पाठ। आज हम लोग क्विज करेंगे जिम्नोस्पर्म्स को लेकर के। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। थ्योरी क्लास उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर बिना देरी किए हुए उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। सेरेजनिरा इज हेटरोस्पोरस व्हाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस। हॉट सेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स एंड स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। सो आप देखते आ रहे हैं कि ओव्यूल्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीडेड बोला गया है क्योंकि उनके पास ओवरी वॉल नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच साइकस डायोशियस सेल्विनिया हेटरोस्पोरस इक्विसिटम होमोस्पोरस एंड पाइनस इज डायोशियस। सो पाइनस जब आप थ्योरी क्लास में देखेंगे तो पाइनस होता है मोनोइशियस, मतलब उसके दोनों जो ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट वो एक ही प्लांट में डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ? इसका देखिए, ब्रॉड हार्डी लीव, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल एंड प्रेजेंस ऑफ वेसल। थिक क्यूटिकल इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि पाइनस सॉरी जो कोनिफर्स हैं जिसके अंदर पाइनस आता है उसकी नीडल लाइक लीव्स होती है, तो ब्रॉड लीव्स बिल्कुल नहीं है, सुपरफिशियल स्टोमेटा भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग? सो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट किसमें नहीं होगा? ये आपका है ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आप देखे थे कि टेरिडोफाइट आने के बाद से ही थोड़ी थोड़ी स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर गई थी। तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है जहाँ जो गैमेटोफिटिक फेज है वो एकदम छोटा सा है और स्पोरोफाइट उनकी मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट ए टू ई और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो ऑप्शन ए, मॉसेस एंड लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर रॉक। सेलेजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। कोरलाइड रूट्स इन साइकस हैव वैम वेस्कुलर एर्बस्कुलर माइकोराइजी बोलते हैं इसको। और उसके बाद डी ऑप्शन है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइट्स इट इज स्पोरोफिटिक। एंड ऑप्शन ई, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। सो इसमें जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो पहला ऑप्शन देखिए आप, ए करेक्ट है, फिर ऑप्शन डी करेक्ट है और ऑप्शन ई करेक्ट है। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, ए डी एंड ई। सो ये ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजांथिन। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड डी म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स। तो बेटा, एंडोस्पर्म जो बनता है वो जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, ये आपको पता है। और इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन डी है क्योंकि म्यूकर के जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। इन लिवरवर्ट्स मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटरोस्पोरस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगैमस। एंड स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलैबोरेट देन दैट इन मॉसेस। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस। तो हमें देखना है इसमें से कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जरा देखते हैं एक बार फिर से। ऑप्शन ए, लिवरवर्ट्स मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। अभी आपने देखा कि एक मिनट, लिवरवर्ट्स मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। हाँ, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटरोस्पोरस। ये आपने देखा था क्लास में। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगैमस। आपने देखा था कि एल्ब्यूगो का रिप्रोडक्शन थोड़ा सा अलग होता है। ऑप्शन डी, स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलैबोरेट देन इन मॉसेस, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई जो है, बोथ पाइनस पाइनस मार्केंशिया एंड डायोशियस सॉरी बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायोशियस, ये सही है क्योंकि दोनों के जो मेल और फीमेल बॉडीज हैं वो अलग अलग ब्रांच पे डेवलप करते हैं। सो
ऑप्शन ए इज करेक्ट, तीन स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो? तो ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। देख रहे हैं इन तीनों कैटेगरीज में ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ऑप्शन बी है जो वो सिर्फ दो में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए जो है आर्किगोनिया ये इन तीनों में प्रेजेंट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, टेडोफाइट गैमेटोफाइट इन सॉरी टेडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड डिफिस्टेज इन गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, एंथ्रिडियो फोर्स एंड आर्किगोनियो फोर्स आर प्रेजेंट इन टेडोफाइट्स, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेडोफाइट्स। तो आपने टेडोफाइट की भी क्लास में देखा था ये चीज कि सीड हैबिट का जो ओरिजिन है, जो स्टार्ट है, वो टेडोफाइट में देखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग सीड्स, मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियन एंड वेसल्स। तो मोटाइल स्पर्म्स जो होते हैं ये दोनों पाए जाते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज नेक्स्ट टू देम। इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, इन जिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड देन इन पॉलीट्राइकम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगैमस, हाउ द स्पोर्स ऑफ स्लाइम वोल्ड्स लैक सेल वॉल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट? इसमें से बेटा सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है और वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंगो में मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जिंगो एक जिम्नोस्पर्म है और उसमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द फिगर्स ए बी सी एंड डी इन विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द थ्री आइटम्स ए बी सी डी आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए फिगर आप देखिए, ये फिगर है सेराजिनेला का, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा इक्विसेटम है, ऑप्शन सी आप पहचान सकते हैं कि सेल्विनिया है, और ऑप्शन डी आप देख सकते हैं कि जिंगो है। सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में, जिसमें ए सेराजिनेला, इक्विसेटम, सेल्विनिया और जिंगो है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम? तो आप जानते हैं कि क्रिप्टोगैम मतलब अभी भी हम टेडोफाइट तक की बात कर रहे हैं, टेडोफाइट में जिसमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड है वो है टेडोफाइट, आपका कौन सा इसमें इक्विसेटम है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? ठीक है, गैमेटोफाइट अगर फ्री लिविंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये या तो एंजियोस्पर्म है या तो फिर जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है, पॉलीट्राइकम, सेड्रस, टेरिस और फ्यूनेरिया। सो बाकी तीन ऑप्शन जो है वो हमारे पास हैं मोसेस और टेडोफाइट्स के, ऑप्शन बी जो है वो जिम्नोस्पर्म दिख रहा है, सो सेड्रस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? सो फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स जो आपको दिखेगा वो इन सभी सेट्स में से ऑप्शन सी में दिखेगा, रिक्शिया, डायरोप्टेरिस और साइकस, इनमें फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स? तो अगर सीड प्रोड्यूसर्स नहीं है तो इसका मतलब जरूर सी बात है कि जिम्नोस्पर्म के नीचे के ग्रुप होंगे, और कौन कौन से ग्रुप हैं, फर्न एंड फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एंड फाइकस, फाइकस एंड क्लाइमाइडोमोनास, फ्यूनेरिया एंड पाइनस। सो ऑप्शन ए फर्न एंड फ्यूनेरिया, एक ब्रायोफाइट और एक टेडोफाइट। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, साइकस, मॉस, सैक्रोमाइसिस एंड स्पाइरोगायरा? तो बेटा लिविंग फॉसिल वो होता है जिसके लगभग सारे, जिस ग्रुप के सारे मेंबर्स लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, सिर्फ वही अकेला मेंबर बचा होता है। सो ऑप्शन ए इसमें से साइकस है जो अपने फैमिली का, अपने ग्रुप का अकेला मेंबर बचा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज अंडर लिविंग फॉसिल? एक और लिविंग फॉसिल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है, साइकस है जो अकेला बचा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकस हैज टू कॉटिलेडॉन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज ऑफ?
साइकस के दो कॉटिलीडॉन हैं, लेकिन उसके पास वो जो मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक था एंजियोस्पर्म का वो नहीं है कि ओव्यूल्स के साथ में प्रेजेंट होना, सॉरी ओवरी या मतलब जिसके सीड्स हैं वो कवर्ड नहीं है, सो नेकेड ओव्यूल्स, ऑप्शन ए करेक्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स? तो अगर सीड्स नहीं है तो क्या होंगी? वैस्कुलर भी है, सो टेरिडोफाइट इज द मेन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, अगर आपने क्लास किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड बनता है, ठीक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट? इट हैज सरसिनेट वर्नेशन, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज ऑफ जाइलम वेसल, रूट्स कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी, इट डज नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फीमेल फ्लावर। सो साइकस जो है जिम्नोस्पर्म, इसमें मेनली ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम वेसल के जगह पे, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, और वही हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसल्यूजेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ पाइनस डायरोप्टेरिस, और ये क्या बोलते हैं, साइकस और ऑप्शन डी। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है, पाइनस और साइकस में प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपने देखा था कि राइजॉइड्स जो प्रेजेंट थे वो मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कुछ कुछ कॉमन थे, लेकिन मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजॉइड्स सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ वो भी कुछ ब्रायोफाइट्स में, ठीक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मेनी स्पीशीज? 640, 300, 1900। सो ऑप्शन डी अभी तक सही है, जहां तक डिस्कवर हुए 900 स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ जिम्नोस्पर्म लीफ कैरी 16 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म्स विल बी? तो देखिए, जिम्नोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होगी। तो अगर उसके लीफ में 16 क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लीफ जो है डिप्लॉइड है और एंडोस्पर्म उसका हैप्लॉइड होगा, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म विल बी हाफ एन, सो 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन पाइनस द विंग्स ऑफ द सीड डेवलप फ्रॉम, इसको आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है, ओव्यूलिफेरस स्केल उसी से डेवलप होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पाइनस द पॉलन ग्रेन हैज 6 क्रोमोसोम, देन इट्स एंडोस्पर्म विल हैव, अगेन बेटा ये पहले के पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन के अंदर एक क्रोमोसोम दे दिया, तो पॉलन ग्रेन पहले से ही हैप्लॉइड होते हैं, सो एंडोस्पर्म के क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन जो करेक्ट है वो हमारे पास सी है, क्योंकि उसमें 6 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग टू, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिम्नोस्पर्म्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई जाइगोट, देखिए यहाँ पर हम उस स्टेज पर फिर पहुंच गए जहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो फेज था वो गैमेटोफिटिक फेज था, ठीक है। तो ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज में चला गया, यानी कि पाइनस नहीं है, सेलेजनेला नहीं है, डायरोप्टेरिस नहीं है, क्लेमाइटोमोनास है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पाइनस और जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, ऑप्शन देख लेते हैं। मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, नहीं एम्ब्रियो हमेशा डिप्लॉइड होता है, ऑप्शन बी मेगास्पोर पॉलन ग्रेन एंड एंडोस्पर्म, ये ऑप्शन सही है, मेगास्पोर एंडोस्पर्म इंटेग्यूमेंट एंड रूट पॉलन ग्रेन लीफ एंड रूट, सो ये सारी चीजें में एक चीज कोई ना कोई डिप्लॉइड है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन पाइनस साइकस और जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, अगेन यही क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन बी हैप्लॉइड। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये खत्म होता है, और आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर ये थे कि एंडोस्पर्म का
जो प्लॉयडी लेवल है वो है, और सीड हैबिट का भी डेवलपमेंट जो था कभी कभी इसमें पूछ दे रहा है कि वो टेडोफाइट से डेवलप हो रहा है, और ये कौन से प्लांट जो है डायशियस हैं, ये सब आपको नोट करके कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई, जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन।